वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 22x40। जो इसकी फ्रंट और बैक है वो हमारी 22 फीट है और जो इसकी डेप्थ है यानी गहराई है वो हमारी 40 फीट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 BHK सेट है। इनको 2 बेडरूम चाहिए, 1 ड्राइंग रूम जो कि हमने बना दिया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन एंट्री है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। ये हमारा मेन गेट है जो कि हमने 9 फीट का दिया हुआ है। इसका साइज़ हमने दिया हुआ है 9 फीट। और आप आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है पोर्च जिसका साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 9 फीट बाय 12 फीट 8 इंच का हमने यहाँ पर पोर्च बनाया हुआ है। पोर्च के बाद आप इस तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है स्टेयरकेस यानी कि जीना जो कि हमने 3 फीट का दिया हुआ है। इससे आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे अपने। अब आते हैं आप इस तरफ, इनको 4 फीट ये जगह ओपन चाहिए थी। यहाँ ये अच्छी भी लगती है, प्लांटेशन वगैरह भी आप यहाँ थोड़ी बहुत कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक डोर देखने को मिलता है जो कि हमने WC के लिए दिया हुआ है। WC का साइज़ है आपका 3 फीट बाय 3 फीट 3 इंच, हमने यहाँ पर WC दे दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ड्राइंग रूम, इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारा 11 फीट 10.5 इंच बाय 9 फीट 5 इंच का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से ड्राइंग रूम का फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ आपको लॉबी से भी आने के लिए एक डोर दिया गया है ड्राइंग रूम में ताकि आप यहाँ से लॉबी से भी अंदर आ जाएँ। अब चलते हैं, इस डोर से हम एंट्री करते हैं। जैसे ही आप इस डोर से एंट्री करते हैं आप लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 10 फीट 10.5 इंच बाय 11 फीट 10 इंच की हमने यहाँ पर लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के इस साइड आते हैं तो आपको देखने को मिलती है बाथ और WC। बाथ का डोर हमने यहाँ से दे दिया है। बाथ का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 4.5 फीट बाय 4 फीट 10 इंच की हमने बाथ बनाई हुई है। बाथ के सामने ही आपको देखने को मिलती है WC जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 4.5 फीट बाय 3 फीट के हमने यहाँ पर इनको WC बनाई हुई है। बाथ और WC के बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच में हमने ये ओपन जगह छोड़ दिया है। 4.5 फीट बाय 3 फीट 3 इंच की हमने ओपन जगह छोड़ी है। यहाँ पर आप चाहें तो वॉश बेसिन भी लगवा सकते हैं। लॉबी के अगर राइट साइड की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पूजा रूम। पूजा रूम का डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दिया हुआ है। पूजा रूम का साइज़ है हमारा 5 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट की हमने यहाँ पर पूजा रूम बनाई हुई है। इसके बराबर में आपको देखने को मिलता है किचन जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है 2.5 फीट का। इस किचन का साइज़ है हमारा 5 फीट 1.5 इंच बाय 7 फीट 5.5 इंच की हमने यहाँ पर इनको किचन भी दी हुई है। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए यानी कि हवा बाहर आने जाने के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है 2.5 फीट की, सॉरी 3 फीट की, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इस किचन में हमने L साइज़ की स्लेब भी डाल दी है। ये हमारी L साइज़ की स्लेब है, ये हमारा गैस वगैरह रखा है। तो अब चलते हैं आगे बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम पर चलते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम, इसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दिया हुआ है। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि फर्स्ट बेडरूम से अटैच होने चाहिए टॉयलेट जो कि हमने कर दी है। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 10 फीट 10.5 इंच बाय 8 फीट 10.5 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर 4.5 फीट की विंडो भी दे दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और ये रहा आपका बेड। और इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है जो हमने अटैच की हुई है टॉयलेट, इसका डोर हमने बेडरूम से दे दिया है। इस टॉयलेट का साइज़ है हमारा 7 फीट बाय 4 फीट की हमने यहाँ पर टॉयलेट दी हुई है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, ये आपको वी देखने को मिलता है यहाँ पर यानी कि वेंटिलेशन, यहाँ से इसका फुल अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बेडरूम पर चलते हैं। तो इसका डोर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 10 फीट बाय 12 फीट 10.5 इंच का हमने सेकंड बेडरूम बनाया हुआ है। इसमें हमने इनको 2 फीट की अलमीरा भी दी हुई है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है, ये रही, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एक और डोर जो कि आपको ओपन की तरफ लेकर जाती है, जो कि हमने 4.5 फीट बाय 4 फीट का ओपन दिया हुआ है। ये ओपन हमने इसलिए दिया हुआ है ताकि इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन, इसका भी और स्टोरेज का भी वेंटिलेशन इस ओपन से हो जाए। तो 22x40 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच होती है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके 24 आवर्स में सेंड कर देते हैं। आप हमको अपना मैप का जो आपका प्लॉट है उसमें जो मैप बनवाना है उसका साइज़ बताइएगा, हम आपको मैप बना करके व्हाट्सएप में PDF फॉर्म में सेंड कर देते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।